अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं बना रहा हूँ एक कॉकटेल की कॉलोनी, जो अभी तक फ़िलहाल तो इसमें सिर्फ मैंने 5 पेयर है और मशाला से 5 पेयर ने ब्रीड भी किया है। ये कॉलोनी कंप्लीट नहीं है, तो मैं बना रहा हूँ पूरी कंप्लीट कॉलोनी। तो ये कॉलोनी जो है, इस कॉलोनी में तकरीबन मैं 25 पेयर रखूँगा। तो फ़िलहाल मेरे साथ जो भी बर्ड्स थे कॉकटेल के, ये 5 पेयर है, ये पेयर मैंने इसमें छोड़े हैं कॉलोनी में, और माशाल्लाह से 5 के 5 पेयर ने ब्रीड भी किया है। और ये आप देख सकती हो, ये मैंने बॉक्स लगाए हैं, सब बॉक्स में चिक्स और अंडे मौजूद है। थोड़े टाइम बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और सॉफ्ट फूड लेकर आया था आज मैं, तो कॉकटेल जब भी चिक्स देते हैं तो हमने 2 टाइम जो है ना उसको सॉफ्ट फूड देना है, एक सुबह और एक तकरीबन 4 से 5 बजे के टाइम, असर के टाइम यानी, ठीक है। तो कॉकटेल का सॉफ्ट फूड जब बच्चे देते बहुत ज़रूरी है, यानी कॉकटेल सॉफ्ट फूड शौक से खाते हैं और बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और चिक्स एक्सपायर भी नहीं होते। तो ये कॉलोनी है पूरी कंप्लीट नहीं है, और इस कॉलोनी का जो साइज़ है, हाइट, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और कॉकटेल को मैं पूरे हफ्ते का जो डाइट प्लान होगा वो भी मैं शेयर करूंगा, यानी फ्राइडे को मैं क्या देता हूँ, सैटरडे को, संडे को, मंडे को, इस तरह मैं हर रोज़ का डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो बिगिनर होंगे, ताकि उसको फिर मसला ना हो, ठीक है। तो कॉकटेल का ब्रीड बहुत इजी है, बस कुछ टिप्स है, उस पर आप अमल करो, बहुत इजी है। और ये लाइट आप लोग देख रहे हो, ये हीटिंग लाइट है, 100 वाट का है, ये 2 मैंने लगाए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इधर पे रात को मौसम ठंडा होता है, दिन को तो टेम्परेचर ठीक होता है लेकिन रात को टेम्परेचर जो है ना लो होता है, ठीक है। तो ये देखो, सब ने चेक दिए है और बड़े शौक से जो है ना सॉफ्ट फूड खाते हैं, ठीक है। और इसमें जो पानी का निज़ाम मैंने किया है वो यही है, ऑटोमेटिक है, बाहर मैंने लगाया है पानी। तो अभी आप लोग देख सकते हो, बस इसको सिर्फ मैं सुबह अच्छी तरह साफ़ कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हो, बस ये पानी मैं फेंक देता हूँ। दोबारा ये देखो, ऑटोमेटिक ये देखो पानी इधर पर आ जाता है। तो इंशाल्लाह इसका सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने डाइट में क्या देना है, मैक्स सीड में क्या देना है, कितने साइज़ के बॉक्स लगाने हैं और बॉक्स के दरमियान कितना फासला रखना चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपने क्या लगाना है, सब कुछ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल आता हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह मैं फिर उस पर तफसीलन वीडियो बना के आप लोगों को सेंड करूंगा। एक दफ़ा फिर बताता चलूं, ये कॉकटेल की कॉलोनी कंप्लीट नहीं है, ये जो खाली साइड नज़र आ रहा है इधर पे मुझे ये तख्ती लगानी है, फिर बॉक्स लगाने हैं और इस तरफ भी लगाने हैं, ठीक है। यानी ये 2-3 ये तरफ पर मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, 3 तरफ पर मुझे बॉक्स लगाना है, और ये इसका फ्रंट है, ठीक है। ये मैंने कपड़ा डाला है सर्दी की वजह से, रात को सर्दी होती है। ये देखो पूरा बाहर आप देख सकते हो, पूरा ग्रीनरी है, नेचुरल माहौल है, ठीक है। और ये मेन डोर है, ये आप देख सकते हो, और इसमें ये ऊपर की जगह मैंने चौड़ी है, ये आप देख सकते हो, इस पे लाइटिंग, सनलाइट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के माइंड में कोई सवाल आता हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो उस पर मैं तफसीलन वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई, इधर लाइटिंग भी नहीं है, तो फिर मैं लाइट सब कुछ तरतीब करके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। वेलकम बैक व्यूअर्स। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 एक बॉक्स में 5 बच्चे हैं, और मैंने वोट शेव डाल दिया, जिसको हम बूरा भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, ठीक है। ये एक बॉक्स है, मैं बाकी का चेक करता हूँ। ये पैर बाहर सॉफ्ट फूड का नहीं, हाँ। और ये जो है, इसमें चेक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन
दो दिन पहले मैंने देखा था, दो अंडा पड़ा हुआ है और इसमें तीन चिक्स है, ठीक है, और इसमें भी बैठे हुई है, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम आती है। इसमें दो चिक्स है और तीन अंडा पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको ज़रा मैं चेक कर देता हूँ क्योंकि उधर पे मेरा हाथ उल्टा है, इधर पे मैं ज़रा चेक करता हूँ। इसका कॉकटेल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, ये आप लोग देख सकते हो, इसको अंडा भी पड़ा हुआ है और साथ में चिक्स भी है, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। और ये हो गए चार पेयर, और पांचवा पेयर इधर है, उसने अभी एग्स ले किए, ठीक है। तो अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि कॉकटेल कॉलोनी में अच्छा रिज़ल्ट देती है, यानी अच्छी कॉलोनी में हम अच्छी ब्रीड ले सकते हैं कॉकटेल से या केजेस में। तो ये सब बातें मैं आप लोगों को तफसीलन वीडियोस बना के बताऊंगा, और मुझे इधर पे बर्ड्स भी कंप्लीट करने हैं, तकरीबन 20 पेयर और भी लेकर आने हैं, 25 पेयर बॉक्स वगैरह लगाने हैं। तो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को अपडेट भी करूंगा और जो डाइट दूंगा वो भी बताऊंगा, ए टू जेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो लोग यही सवाल करते हैं कि कॉकटेल कॉलोनी में अच्छा ब्रीड करती है या कैच बाई कैच, तो वो आपके जो डाइट है उस पर डिपेंड करते हैं। तो मेन चीज़ है डाइट। आप लोगों ने देख लिया, एक ही बॉक्स में पांच बच्चे हैं और सब के साथ पांच पांच अंडे हैं, किसी ने तीन बच्चा दिया है, किसी ने चार बच्चा दिया है, तो ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों के माइंड में जो भी सवाल आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कॉलोनी का साइज़ शेयर करूंगा कि कॉलोनी का कितना साइज़ है, तफसीलन उस पर वीडियो बनाऊंगा, और कितने साइज़ कॉलोनी में कितने पेयर रखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बॉक्स के साइज़ की वीडियो बनाऊँगा, और उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा कि बॉक्स को कितने फासले में लगाना चाहिए, ठीक है, और कॉलोनी में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर आप कॉकटेल से अच्छा ब्रीड लेना चाहते हो तो कौन से बर्ड्स ख़रीदने चाहिए, कौन सी नई ख़रीदनी चाहिए, और बर्ड्स को ब्रीड के लिए कैसे तैयार करना चाहिए, पूरे हफ्ते के डाइट प्लान की वीडियोज़ भी बनाऊँगा। और टेम्परेचर किस तरह कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी किस तरह कंट्रोल करनी है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो उसको किस तरह ज़्यादा करना है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जितनी भी है सारे मेरी ब्रीडिंग पेयर है, और ये तकरीबन तीन साल से चार साल से मेरे साथ ब्रीड कर रहे हैं। ये तकरीबन तीन साल मैंने कैच बाई कैच ब्रीड लिया, और इस साल मैंने सोचा चलो कॉलोनी में ब्रीड ले लेता हूँ, एक्सपीरियंस भी हो जाएगी और रिज़ल्ट का भी पता चलेगा। लेकिन आज तक मुझे जो रिज़ल्ट मिल रही है वो बिल्कुल कैच बाय कैच जो मैंने रखे थे उससे बेहतर मिल रही है, और उसकी मेन वजह है बर्ड्स की डाइट का। बर्ड्स को मैं मिक्स सीड में क्या देता हूँ और सॉफ्ट फूड में क्या देता हूँ, ये आज मैंने चना तकरीबन 12 घंटे पानी में भिगो के दिया था, ठीक है, और जिस चीज़ में मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ वो आप देख सकते हो कितना साफ है, ठीक है। नीचे अगर कचरा है कुछ है होने दो, नीचे मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस चीज़ में आप पानी देते हो, आप खाना देते हो, आप सॉफ्ट फूड देते हो, उसको साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स की तकरीबन 70% जो बीमारियां है वो कचरे की वजह से लग जाती है बर्ड्स को। तो आपने अपने बर्ड्स की सफाई का ख्याल रखना है, स्पेशली पानी जिस बर्तन में देते हो, सॉफ्ट फूड जिस बर्तन में देते हो, मिक्स सीड जिस बर्तन में देते हो, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी अगर नीचे ज़मीन पे कोई कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, यानी
सीड के छिलके वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये अच्छा है, ये इसमें ख़ुद ढूंढ के काना निकालते हैं और ये इनके लिए अच्छा भी है। ठीक है, आखिर में एक दफ़ा फिर बोलता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो या आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, कोई भी वीडियो आपसे वेस्ट ना हो। क्योंकि मैं आगे मेरा जो प्लान है 7 दिन की डाइट पे मैं 7 वीडियोज़ बनाऊँगा, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इसी तरह हम 7 दिन अपने बर्ड्स को क्या देते हैं, सॉफ्ट फूड में क्या देते हैं और कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह किस तरीके से देते हैं, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ में ये भी शेयर करूंगा, जब बर्ड्स ब्रीड भी हो, बर्ड्स के साथ चिक्स हो, उसको कितना टाइम सॉफ्ट फूड देना चाहिए, जब ब्रीड पर ना हो, रेस्ट पर हो, उसको हफ्ते में कितना टाइम सॉफ्ट फूड देना चाहिए और कितना टाइम कैल्शियम देनी चाहिए और विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स कितने टाइम देने चाहिए, यानी बर्ड्स का वो मुख्तलिफ हो जाता है। जब ब्रीड कर लेते हैं तो उसकी डाइट चेंज हो जाती है, और जब ब्रीड पे ना हो, रेस्ट पे हो, तो उसकी अलग डाइट होती है। अगर रेस्ट पे हो, आपने ज़्यादा कैल्शियम, विटामिन्स, ज़्यादा सॉफ्ट फूड दे दिया, तो एक तो चर्बी का ख़तरा हो सकता है और ऊपर से ओवरडोज़ हो जाता है। ठीक है, जब ब्रीड पे हो कितना देना चाहिए, जब ब्रीड पे ना हो कितना देना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी के लिए चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।